नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेज़ के हमारे इस कार्यक्रम में। हम फिर से हाजिर है ब्रेक के बाद। और अभी जो खबर लेकर के आ रहे हैं वो ये कि एक ही दिन में बने कांग्रेस के 3 CM, विपक्षी एकजुटता का भी हुआ प्रदर्शन। जी हाँ, सोमवार का दिन कांग्रेस के लिए खास बन गया जब तीनों नेताओं ने 3 अलग-अलग राज्यों में एक ही दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुबह राजस्थान में अशोक गहलोत, दोपहर के समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ और शाम को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सोमवार को ही वर्ष 1984 के सिख दंगों में दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता रहे सज्जन कुमार की सजा के बावजूद कांग्रेस के लिए यह दिन इसलिए भी उत्साह का था कि उसे भाजपा विरोधी गठबंधन के व्यापक होने की उम्मीद भी बंधी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बसपा प्रमुख मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भले ही मंच साझा ना किया हो, लेकिन दूसरे कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी गठबंधन के लिए बातचीत की मेज के बड़ा होने का संकेत दे गया। जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने अशोक गहलोत को शपथ दिलाया तो राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल के लिए यह दिन विशेष हो गया। उन्होंने भोपाल में कमलनाथ और रायपुर में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता का शपथ ग्रहण करवाया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ का भी प्रभार है। कभी पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस इन तीन प्रदेशों सहित 5 राज्यों के चुनाव होने से पहले तक सिर्फ पंजाब और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में सिमट गई थी। कर्नाटक में पार्टी ने जनता दल यानी कि सेक्युलर के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। अभी 11 दिसंबर को आए चुनाव परिणाम के बाद उसके खाते में हिंदी हार्टलैंड के 3 महत्वपूर्ण राज्य शामिल हो गए हैं सबसे पहले सुबह जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री एवं सचिन पायलट को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। बाद में मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल ने पायलट को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी शिरकत की। गहलोत राजस्थान के 22वें और स्वयं 3री बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जयपुर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई विपक्षी दलों की एकजुटता का भी प्रदर्शन हुआ। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं शरद पवार और लोकतंत्री जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन, झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, जेएमएम के हेमंत सोरेन, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्र, एआईयूडीएफ के बदरून अजमल, स्वाभिमानी पक्ष के राजू सेठी, सांसद अब्दुल मनान, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्णन, विखे पाटिल भी शामिल हुए। शिरकत करने वालों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, वहीं विपुल महेश्वरी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी कार्यक्रम में नहीं आ सकी। उधर भोपाल में मंजूरी जम्बूरी मैदान में आयोजित समारोह में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कांग्रेस विधायक दल के नेता कमलनाथ और मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश जोशी और बाबू लाल गौर भी मंच पर उपस्थित थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ जयपुर से वो कई प्रमुख नेता भी भोपाल पहुंचे जो वहां अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण में मौजूद थे। बता दें कि नए मुख्यमंत्री ने कन्यादान योजना की राशि को 28,000 से बढ़ाकर के 51,000 रुपये करने की फाइल को भी मंजूरी दे दी है। रायपुर में भी कांग्रेस के लिए उत्साह का माहौल बना रहा। वहां 15 साल बाद पार्टी की सत्ता में वापसी के साथ भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। बघेल मध्य प्रदेश के 3रे मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेश बघेल और 2 मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। रायपुर में भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ जिस अंदाज में कांग्रेस के आला नेताओं के साथ विपक्षी गठबंधन के नेता शरीक हुए हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस 2019 के आम चुनाव की तैयारी में
अभी से जुटी हुई है और बेहद तैयार है। शपथ ग्रहण में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को व्यक्तिगत और तौर पर फोन के जरिए समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। तेज बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का स्थान बदल दिया गया। साइंस कॉलेज मैदान की जगह समारोह को इंडोर स्टेडियम में करवाया गया। जोश और उत्साह से लबरेज हजारों की तादाद में पहुंचे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्टेडियम के भीतर दाखिल नहीं हो सके। बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम के बाहर ही खड़े होकर के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। तो इस तरीके से सोमवार का दिन कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इस दिन सुबह से लेकर के शाम तक कांग्रेस एक के बाद एक कार्यक्रम को करवाती रही, शपथ ग्रहण समारोह होते रहे और इसमें कई चीज़ें, कई दृश्य देखने को मिली। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के नेताओं के साथ खड़े होकर के हाथ में हाथ डाल करके जो उत्साह दिखाया, जो जोश दिखाया और जो एक विनम्रता दिखाई, वो एक बेहद ही पॉजिटिव जेस्चर था। वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से जिस तरीके से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगाई और उनको करीब से उनसे बातचीत किया, ये भी एक बहुत बड़ा माहौल बना वहाँ पे। एक कह सकते हैं वसुंधरा राजे ने राजस्थान में पूरे शो को अपनी ओर खींच लिया। तो इस तरीके से कांग्रेस के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा। अब देखना ये दिलचस्प है कि आने वाले 2019 के चुनाव में क्या रंग दिखाती है कांग्रेस की ये महागठबंधन। हमारी नज़र बनी हुई रहेगी, हम फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद कुछ नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें, देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप वॉचिंग टूडेज़ फॉर मोर न्यूज़।